4000 ஓட்டு இந்த தொகுதியில் பாரதி நகரில் கொடுத்தாங்க. இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் கமிட்டி से भी आए हुए हैं, हमारे सलीम भाई हिमायत भी हैं, अच्छा हमारा हमारे एरिया में भी जो जो काम बाकी है, जो जो कोल्ड होल्डर है काम अभी नहीं हुआ है, ये जो जो है सब आपको लिस्ट ला कर देंगे इंशाल्लाह। आपके साथ हम कभी भी आपके साथ रहेंगे, आप जो भी काम बोलो आपके साथ में रहकर करेंगे। और जिस तरह से आप लोग सब आए हैं, रिजवान साहब भी आपके साथ हैं और मैं भी आपके साथ ही रहूंगा इंशाल्लाह। जो भी काम है जो भी है आप इंशाल्लाह हमारे से काम ले सकते हैं। एक चीज की बाजार है, क्या ये बार इलेक्शन में थोड़ी पोलिंग कम हो गई हमारे एरिया से? क्योंकि 2000 हमारे मुसलमान भाई ने वोट डाला नहीं, ऐसे सामने इतनी बड़ी चुनौती के सामने हम लोगों को कैसा हम लोग फाइट करना है, कैसा लड़ना है। जब आप लोग ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ರೌತ್ ಎಂಎಲ್ಎ ಬನಾಯಾ ಹೈ ಔರ್ ಆಪ್ಕಿ ಖಿದ್ಮತ್ ಮೇ ಸಾಮ್ನೆ ಆನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಏಕ್ ಮೌಕಾ ದಿಯಾ ಹೈ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಮೇರಿ ದಿಲ್ ಕಿ ಗಹರಾಯಿಯೋ ಸೆ ಆಪ್ ಲೋಗೋ ಕಾ ಶುಕ್ರ ಗುಜಾರ್ ಹೂಂ। ಜಿಸ್ ತರೀಕೆ ಸೆ ವೋಟ್ ಹುವಾ ಹೈ, ಜಿಸ್ ತರೀಕೆ ಸೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಹುಯಿ, थोड़ा एक दो मिनट आराम साफ है। इस इलेक्शन में लोगों ने अपना जात, अपना धर्म, अपनी जुबान से हटकर कर उससे ऊपर उठकर इस हलके के हमारे मोहल्लों की भलाई कौन कर सकता है, कौन सा कैंडिडेट है जो हमारे साथ खड़े हो सकता है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम कर सकता है, ये सोच करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर, चाहे वो तमिल बात करने वाला हो, कन्नड़ा बात करने वाला हो, तेलुगु बात करने वाला हो, उर्दू बात करने वाला हो, कोई भी जुबान का क्यों ना, सबने मिलकर मुझे वोट डाला है, वरना इतनी मेजॉरिटी में वोट लेना मुमकिन नहीं है। मैं इस हलके के मेरे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, क्रिश्चियन भाई, सिख भाई सबको शुक्रिया अदा करता हूं। जिस तरह जो कैंपेन चला था, जितने कैंडिडेट खड़ा किए गए थे, जितनी पार्टियों को स्पॉन्सर करके भेजा गया था, सिर्फ इसलिए भेजा गया था कि बीजेपी को मदद हो जाए, सिर्फ बीजेपी को मदद करने के लिए कि रिजवान को हरवाओ, बीजेपी की मदद करो। लेकिन आप लोगों ने एक फैसला लिया कि ये नौजवान का हाथ नहीं छोड़ना। युद्ध कई गुड़बार तीर्मान माड़ीद्रलवा, मैं आज आपको कह दूं कि ये एहसान आप लोगों का मुझ पे रहा है, आप लोगों का एहसान मुझ पे है और ये एहसान मैं आपकी खिदमत करके मैं इसको चुकाऊंगा, चुकाने की कोशिश करूंगा, चुका नहीं सकता, कोशिश करूंगा और आपकी खिदमत करने के बाद और इस मोहल्लों को, हमारे हलके को डेवलप करके मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। यहाँ कई लोग हैं जिन्होंने मेरी कामयाबी के लिए बहुत सारी मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, और जो चंद लोग हैं जिन्होंने नहीं किया। मैं छोटे दिल का आदमी नहीं हूं, मैं हमेशा उस नजर से नहीं देखता हूं, वोट देगा नहीं देगा, काम करेगा नहीं करेगा, उनके लिए मेरे दिल में अलग से जगह है, अलग से जगह है।
जिन्होंने नहीं किया मैं आप लोगों का भी काम करूंगा। मैं आपको कह दूं, मेरे सामने कभी मैं किसी चीज में फर्क नहीं करूंगा। मुझे हरवाने के लिए इस हलके को मुश्किल में डालने की कोशिश की गई, मेरा नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी को लाकर, अगर बीजेपी आ जाती तो क्या हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रह सकते हैं, प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं? क्या आप सुकून से आपका बिजनेस कर सकते हैं? आज जो मोहब्बत से बैठे हैं आप, एक टोपी है ये तो एक तिलक है, ये जो मोहब्बत है पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे जमा है, ये माहौल बना देगी बीजेपी, ये माहौल एचडीपीआई बना देगी? तो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए इस हलके को खतरे में डालने की जो कोशिश की गई, मैं उन लोगों को कह दूं, मैं आप मुझे कुछ भी कर लीजिए, मेरा जितना भी नुकसान है मैं ऊपर वाला मुझे ताकत दिया है मैं सह लूंगा। मैं बहुत सिंपल आदमी हूं, सीधा सीधा आदमी, मेरे पास वो दूसरे टैक्टिक्स नहीं है। मैं आपको पुलिस में अरेस्ट कराना फिर शाम को मैं छोड़ाना ऐसा करने वाला आदमी नहीं हूं। मैं खुद वहां पे तकलीफ देना फिर वो तकलीफ आसान करने वाला आदमी नहीं हूं। मैं नौजवान हूं, मुझे भी आगे बढ़ना है, आप सबका ताउन आप सबकी दुआएं लेकर के आगे बढ़ना है, और मेरे काम पे अगला वोट पूछूंगा। इसलिए नहीं कि मैं आपका भाई हूं, इसलिए नहीं कि मैं आपकी पार्टी का, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಭಾಷ್ ಅಂತ, ಭಾರತೀಯ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ರಿಜ್ವಾನ್ ಸಾರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಗೆದ್ದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಜನರು, ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರು, ಕೌನ್ಸಿಲರು, ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನ ಬಂದಿದ್ದರು, ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರ್ಗೂ, ಬೂತ್ ವರ್ಕರ್ಗೂ, ವಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಗಳಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಕರೆದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಂಗೆ ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ವಿ. ಎಲ್ರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊಡಪ್ಪಂಡಿರ್ತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ ಬಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇದಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ ರಿಜ್ವಾನ್ ಸರ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಜನರಿಗೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅವರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಧನ್ಯವಾದಗಳು.